Yeah.
Didi. Didi.
सनातन गोस्वामी को दिए। सनातन गोस्वामी को देख करके बोले आपका देखो कैसे लिखा हुआ। उन्होंने देख करके बड़े खुश हो गए, वाह राधा रानी की बड़ा विचित्र वर्णन आए। लेकिन उन्होंने एक चीज उनको सुहाया नहीं, एक चीज उनको पसंद नहीं आया। बोले क्या? जब श्री राधा रानी की चोटी की उन्होंने वर्णना की, उनकी जो बेणी जो चोटी, तब उन्होंने उदाहरण दिया बेणी काला अंगिणी बना। कहते राधा रानी की चोटी कैसे है? बोले काले काले नागिनी की बराबर है। काला नागिनी की राधा रानी का जो चोटी वो सर से लेकर पैर तक है। आप लोग देखें जो चोटी ऊपर होता है मोटी और नीचे होती है पतली है, इसलिए उन्होंने बताया राधा रानी की चोटी कैसे। बोले जैसे काल नागिनी सांप की बराबर। सनातन गोस्वामी ने कहा तो तुमको और कोई उदाहरण मिला नहीं? तुमने काला नागिनी को सांप के उदाहरण दे दिया है? और राधा रानी का प्रेम स्वरूपिणी, राधा रानी भक्ति स्वरूपिणी, आनंद स्वरूपिणी, और काला नागिनी के साथ भी बराबर दे दिया। अगर ये थोड़ा सुधर जाता ना बढ़िया जाता। बोले भैया मैं कोशिश करूंगा। जब श्री सनातन गोस्वामी गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे, जब राधा कुंड पर गए, देखा रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, बड़ा सुंदर कदम वृक्ष जिसमें एक सुंदर कदम जिसमें सुंदर झूला पड़ा हुआ, और उसमें बीच में श्री राधा रानी बैठी हुई है, और अगल बगल में कुछ सखियां उनको झूला रही थी, और राधा रानी का चोटी तो सर से लेकर पैर तक जब झूला में बैठी हुई थी, जब राधा रानी को झूला रहे तो चोटी भी झूल रही थी। बोले कैसे? जैसे लग रहा था दूर से तीन चार काला नागिनी सांप जैसे राधा रानी के पीठ के ऊपर उठे और ऊट करके राधा रानी को काटने जा रहे हैं। उनको तो पता नहीं है राधा रानी, वो तो सोच रहे थे कोई साधारण बालिका होगी। इतने में श्री सनातन गोस्वामी दौड़े, बोले लाली लाली तुमको दिख नहीं रहा है तुम्हारे पीठ के ऊपर में काला सांप चढ़ हुए। लेकिन जब वहां पहुंचे राधा रानी ने थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुरा दिया और उनको लीला साए अंदर ध्यान हो गया। सनातन गोस्वामी ने देखा भैया ये की चीज है, ये क्या हो गया। खैर उनको याद आया अरे रूप गोस्वामी ने जो ग्रंथ में लिखे थे राधा रानी का जो बेणी कैसे काला नागिनी के बराबर, ये चीज को राधा रानी स्वयं हमें परीक्षा दिलाया। बोले देखो रूप गोस्वामी ने जो लिखा सही लिखे, इसमें कोई गलत नहीं है, है? इसलिए क्यों कहते जो शुद्ध भक्त जब कोई चीज को लिखते हैं और ऐसे नहीं मन में जो आ गया लिख दिया, वो जैसे देखते हैं और ठीक वैसे लिखते हैं, है? इसलिए ये सत्य प्रथम मुनि ने जो दामोदर अष्टक को जो हम लोग जो दामोदर अष्टक को हम लोग जो वर्णना करते हैं वो कैसे नहीं लिख दिए, वो कैसे नहीं लिख दिए। उन्होंने जैसे उन्होंने दर्शन किया उन्होंने ठीक वैसे उन्होंने लिखा है, है? इसलिए जो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, वो प्रणाम कर रहे हैं, है? बोले नमामि, बोले नमामि मतलब क्या? बोले संपूर्ण रूप में आपका चरण में अहंकार परित्याग करके सारे जितने अहंकार हमारे अंदर में घमंड है यदि ये सबके सब परित्याग करके जैसे ठाकुर को चरण में हम प्रणाम करते हैं साष्टांग पंचांग, मतलब क्या है? ठाकुर जी हम सारे अभिमान को छोड़ करके तुम्हारे चरण में हम शरणागति हो, आपका चरण में शरणागति हो। इसलिए जो शरणागति छह तरह का शरणागति है, हैं? अनुकूल्य से संकल्प, पहले भक्ति का अनुकूल को स्वीकार करो, और प्रतिकूल से विवर्जनम, प्रतिकूल वस्तु को त्याग दो, और ये विश्वास रखो भगवान हमें पालन करने वाले हैं, ठाकुर जी हमें रक्षा करने वाले हैं, और अपना अंदर में ठाकुर जी के चरण में संपूर्ण शरणागत हो जाओ, और अपना अंदर में दीनहीन भाव आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने नमामि ठाकुर जी का चरण उन्होंने प्रणाम करके उनके चरण में शरणागति की। यदि ये कौन है? बोले ये ईश्वर है, ये कोई साधारण नहीं, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को पालन करने वाले सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले ये भगवान है।
बोले श्री कृष्ण के मिया लाल की अपना सर बुझते बात से नहीं बुझते बात से बुझते बात से ना बुझते बात से तो हाँ केवल से ना केवल से ना हरे कृष्ण ये बांग्लाई ऐसे बांग्लाई बोलना किसी हिंदी भाषी लोग रात आके करे ऐसे ठाकुर चरण तिनी प्रणाम कर ले बोले प्रणाम कैसे कर ले बोले तुम्हारे चरण में हमें संपूर्ण शरणागत हो गया है এখানে তুমি আমাকে রক্ষা করবে পালন করবে হ্যাঁ তোমার ছাড়া আমি আর কাকে জানি না বুঝতে পারছেন তো এই যে নমামি স্বরূপ বলে তিনিকে বলে সচিত আনন্দ স্বরূপ আমাদের মত ওনার শরীর নয় এই যে তিনি সচিত আনন্দ এই যে দেখবেন আমরা সারা জীবন এই চিন্তা কিছু করি কারণ আমরা হলাম সেই ভগবানের সন্তান আমরা হলাম তার সন্তান अतएव तार मध्ये जे जे गुण गुला आछे ना आमादर मध्ये से से गुण आछे देखो जेरे काम दिनी वरन स बंगला समझते पड़ी हो बंगला समझते की नहीं पड़ी हो जे बच्चो बंगला नहीं समझते अते भगवान वरन स चित आनंद एकने आमरा सारा जीवन एक पिंत जिनिस आमरा खुश बोले की भगवान सब मानते नहीं होगा ना मरेगा যদি কখনো বুড়ো হয় না এই যে নেই দেখবেন আমরাও কেউ মরতে চাই না আমরাও কেউ বুড়ো বুড়ি হতে চাই না হ্যাঁ আমরা কেউ মরতে চাই না আর আমরাও কেউ বুড়ো বুড়ি কেউ বুড়ো হতে চান বলো কেউ বুড়ি হতে চান দেখবেন একটা যদি চুল পেকে যায় না ওই চুলটাকে আমরা উপড়ি দিই বলে তাড়াতাড়ি আমি বুড়ি বুড়ো বানিয়ে দিচ্ছ আমি বুড়ি বুড়ো হয়েছি এখন তারপরে যখন দ্বিতীয় চুলটা পেকে যায় তাকে আবার উপড়ি দিই আর যখন আধা আধা কালো সাদা হয়ে যায় না भगवान कृष्णर के वयस ना सारे 14 साल वयस लेकिन सबाई चाहे चवन प्रास खाबो एक्सरसाइज करो जीप से जाबो हैं ये कारण कि एकदम बूढ़ो होते चाहिए ना हमारा बूढ़ी होते चाहिए ना आप उनको बात को बैठ कर प्रास हमारा उनको थोड़ा जोर से कर लो इसलिए हमारा उनके बूढ़ो बूढ़ी होते चाहिए ना दिन वन सर कर्मताल संतान लेकिन हमारे मध्य हो सही सही गुण बुलाते हैं दिन वन चीज माने ज्ञान स्वरूप सवाई देखो चल रहा है एमए কেউ পিএসডি কেউ ডাক্তার কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় যদি একটা মূর্খ কেউ বলে দেওয়া হয় না তুমি মূর্খ সঙ্গে সঙ্গে রেখে যাবে বলে আমি মূর্খ না তুমি মূর্খ আমার মূর্খ বললে তুমি কেন আমার মূর্খ হতে চাই না কারণ হলো ভগবান বলে যে পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপ বলে ভগবান আর ভগবান বলে না আনন্দ স্বরূপ আমার সারা জীবন এই আনন্দের খোঁজ করছে কি করে আনন্দ পাবো কি করে শান্তি পাবো জীবনে কি করে আমার সুখ পাবো এই জন্য বলছি যদি জীবনে যদি কেউ বুড়ো বুড়ি হতে না চায় যদি জীবনে কেউ পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করতে যায় আর জীবনে যদি পরম শান্তি পেতে চান বলে অথাত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা অতএব সেই ব্রহ্ম কাছে যিনি আনন্দ স্বরূপ যিনি নিত্য স্বরূপ যিনি জ্ঞান স্বরূপ যিনি কৃষ্ণ যখন ওনার চরণে যখন শরণাগত হব তখন জীবন সেই আনন্দ সেই রস পেতে পারো আপনারা সেই আনন্দ পেতে বাংলা থেকে এসেছে এরাও সেই বিদেশ থেকে আনন্দ পাওয়ার জন্য এসেছে আনন্দ কি করি বাবু গোবিন্দ চরণে অশোক অভয় অমৃত আধার তোমার চরণ দই কেবল ভগবানের চরণে সেই অশোক অভয় অমৃত কেবল সেই গোবিন্দ চরণ আছে বুঝতে পারছেন তো এই জন্য বলছে নমামি স্বরূপ সচিদানন্দ রূপম লসত কুণ্ডলম গোকুল ভ্রাজমানম হ্যাঁ কৃষ্ণ তিনি কানে কুণ্ডল পড়ি আছে হ্যাঁ কুণ্ডল পড়ি আছে এখানে বলছে কৃষ্ণের শরীরে মধ্যে যত শৃঙ্গার গুলো আছে না কৃষ্ণের শরীরে মধ্যে যত শৃঙ্গার আছে সর্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গার কি বলে কুণ্ডল বলে কেন কুণ্ডল কেন সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ কি বলে কারণ হলো ওই যে কুণ্ডল না সবসময় কি করে ওই যে কৃষ্ণের যে গাল আছে সবসময় তাকে চুম্বন করে তাকে সব সবে চুম্বন করছে সব সবে হ্যাঁ আর যত অলকার কৃষ্ণ কেউ চুম্বন করতে পারছে কৃষ্ণ কেউ চুম্বন করতে পারছে না কেবল কৃষ্ণ সমঝ রেখো
कृष्ण को अगर कोई चुंबन करते किए कर छे बल्कि कृष्ण काने जे कुंडल केवल कृष्ण के सबसे चुंबन कर छे ऐसे बल्कि जब तो श्रृंगार के मध्य वही कुंडल होलो कृष्ण सबसे सुंदर श्रृंगार कुंडल विराजमान तिनी बोल छे तिनी कुठाय तिनी शोभा पाछे शोभा पाछे ले कुठाय बोले वृंदावन से जते जो ना द्वारका धाम आछे द्वारका धाम आछे कृष्ण मथुरा धाम आछे किंतु कृष्ण सब तक वैसे कुठाय शोभा सब तक बड़ा सुंदर कुठाय है बोले तिनी जखन वृंदावन जब ठाके कृष्ण सब तक सुंदर है सुंदर तिनी वृंदावन लागे बोले कखन जब ठाके बोले जब से राधा रानी सब ठाके कृष्ण तो एक भी सुंदर फिर जब से राधा रानी का था के ना आर सुंदर हो जाए आर जब से गोपी दर सके था के बोले ताज के आर वैसे सुंदर हो जाए हैं ऐसे में हमारा काल कौन है कथा सुनो जी कृष्ण तिनी गोकुल ही वृंदावन ही तार संपूर्ण शोभा के से वृंदावन ही तार प्रकाश है बोले जसोदा भियतु खलाप दाव मान अर्थ हलो एखन की होय छे कृष्ण है कृष्ण जखन मार कोले बस के मन दूध खाए है स्तन पान करे एकन समस्त ब्रजवासी जो तो मातृस्थानीय मायरा छे तादरे इच्छा है की चाहे कृष्ण की कपन हमारे कोले बसे तुम्हारे दूध खावे जखन मां जस्त तक नोनी खावाए पखन खखेलाए तखन सब गोपी तेरे मन में बड़ी इच्छा है कृष्ण की कपन हमारे बाड़ी देख को आसवे आनो ताके तो माखन खाव अगर कृष्ण का तिनि भाव ग्राही जनार्दन कृष्ण तिनि सब जाने कौन भक्त उठाए कि भावे ताके स्मरण करते कृष्ण सब कुछ जाने बगला समझता है कृष्ण सब कुछ जाने उठाए ताके कौन भक्त कि भावे डाक छे एक मन की होय छे एक मन कृष्ण से प्रज गोपी ले रखती हैं तादरे भाव के रक्षा कराते थे तादरे प्रेम के तिनि पूर्ण कराते ने एकर कृष्ण तिनि एकर बाटे बाटे तिनि माखन शुरू करते हैं बाटे बाटे माखन शुरू करते कृष्ण देखे आमी नीचे बाड़ी ते आगे चोरी करे देखे ने आमी धरा पड़ी के ना पड़े आज ने नीचे बाड़ी ते धरा ना पड़े ना तो लौटकार बाड़ी धरा पड़े प्रथम नीचे बाड़ी ते आगे चोरी करे एक दिन मां जसोमती तिनि नजर के बाजी है एकन कृष्ण माखन चुन करते किए जब हम चुरी कर छे बोले नंद बाबा ने बाड़ी ना वो हमारे मत बाड़ी ना है वो जे पिलार उला से मणि दिए तई और जे कई घर बोलो सब हीरा मुक्ता माणिक दिए सब तर बाड़ी बोलो ए सब जिन से दिए तई एकन कृष्ण जब हम माखन चुरी चुरी कर खाते ना वही कृष्ण के छाया का वो बढ़िया छे वही मणि स्तंभ ऊपर कृष्ण छाया ने बढ़िया कृष्ण रे खन वयस गतो कृष्ण रे वयस गतो कृष्ण रे वयस होले 3 वर्ष जाने के 3 वर्ष वाचा चले गतो तो है एकर कृष्ण मन कर छे अरे जखन ओ निजर छाया का मणि स्तंभ पर पड़ छे जो बोध है हमार बाहरी ते बोध है हमार बतो बतो हार का को छले से बतो पागल छे जखन कृष्ण देख लो ये देख लो मां के बोल दीवे तखन तो चिंता करते कि फेर बंधे आप बंधु तो कैसे नहीं बंधु का कर दे बंधु कर ले से बोले ना बोले बंधु तो की करी हमें बोले ओके कुछ खावा ही और वो दे कि जो की है और संगे बंधु तो करता है एक हर कृष्ण तिनी माखन ये बंधे कोई भी खा बोले आप ही खा लो कि तो माय को बोले ना हां माय से बोले ना और कृष्ण तो वो छाया था छिलो तखन छाया का बोलचे तुम ही खाओ आपियो खाए कि तू माय के इका बोलबे ना कृष्ण बोलले तू भी हमारे बाड़ी ते ऐसे हाथ सब माखन समझ ले रहा तू हां हां बता दे इसलिए हमारे बाड़ी ते ऐसे तू भी माखन चोरी कर छ और आमा के ऊपर से तू तू ही खा अभी खा मां बोलबे ना कृष्ण तो तुझे छाया संगे ना तनी लड़ाई करता को कर दिए छे एकना मां एकना पासरे घर तनी काज कर कर छलो बोले भाई से तक केव नहीं वो कार से लड़ाई झगड़ा करते एक बार मां जसोदा पीड़ा में मत धीरे धीरे देखे ना कृष्ण ने जरा छाया सकते नहीं लड़ाई कर छे एक बार मां बोले बोले गोपाल तू कार से लड़ाई कर छी बोले मां होते फिर लो हमारे हां आज तो मन कर छिला धरा ना पड़ी मां होते फिर लो
कृष्ण तिनी की कर ले तेरी लाभ दिए उर्दू कर लेगा ना वही जो मणिर जो खंबाटा छिल ओके जड़िए धरछे बोले मां मां हमारे बाड़ी में ना एक चोर रहते गेछे तदना मां बोलछे बाड़ी में चोर रहते गेछे ওই তোমার হাতে মাথাটা ননিকা কথা কি করিয়ে বলে না এটা তো শব্দ কথা বাড়িতে হাতেতে মাথা কি করে গেল তখন বলে মা তুমি আমার হাতে ওই যে কড়লে কড়লে মানে কি বাংলা কি বলে যে কঙ্কড় কঙ্কড় পড়িয়ে দিয়েছিলে মণি আমার হাতটা গরম করে দিল তাই জন্য হাতটাকে আমি মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে ঠান্ডা করে দিলাম বলে তুমি হাতটা তো ঠান্ডা করেছিলে তবে মুখের মধ্যে মাথাটা কি করে গেলো কৃষ্ণ দেখলো প্রথমবার ধরা পড়লাম মনে হচ্ছে সারা জীবন বোধে ধরা পড়ছে হ্যাঁ সারা জীবন প্রথম চরি ফেল কৃষ্ণ বুঝতে পারছেন এইখানে কৃষ্ণ কোন ঘরে ঘরে যদি মাখন চুরি করতে এখন কি হয়েছে কিন্তু কেউ আর গোপালকে আর ধরতে পারে কেউ আর গোপালকে আর ধরতে পারে না কিছু চাই যে ধরতে পারে না এটি হিন্দি বলতেছি কৃষ্ণ ঘরে ঘরে মে তো মাখন চুরি করতে নেই লেকিন ই কিসকি পকড় মে নেই আতে জব পকড় মে নেই আতে एक दिन ब्रज में एक नई कोई बहू आई शादी करके हैं नई बहू घर में शादी करके आई उसको पता चला कृष्ण घर घर में तो मक्खन चोरी करते हैं लेकिन वो पकड़ में नहीं आते किसी तरह से वो गोपीना बड़ी जोर जबरदस्त लिखी बड़ी गोपी थी हाँ लिखी बड़ी थी वो बड़ी जोर जबरदस्त थी बोले चीज ना रखे अपना और चोरों ने गाली दी कहते अपना चीज को तो रखा नहीं कर पाते चोरों को गाली देते हैं मैं देखते हूँ कृष्ण कैसे मखन चोरी करते हैं आज किसी तरह से कृष्ण घर में घुसने नहीं दूंगी वो गोपी ना एकदम लठिया लेकर घर के सामने बैठी गई कृष्ण को हम घुसने नहीं देंगे कृष्ण सखाओं के साथ में आए और एक चक्कर लगाए तो गोपी तो लठिया लेकर घर में सामने बैठी हुई कृष्ण चले गए थोड़ी देर बाद में दो चक्कर लगाए लेकिन वो गोपी वहां से हट नहीं रही थी हाँ किसी तरह से तो बड़ी लिखी बड़ी बड़ी चतुर थी कृष्ण जब तीन बार चक्कर लगाए ना गोपी कहती है कन्हैया आज दाल गलने वाले नहीं आज मैं बैठी हुई हूँ तुम मक्खन कैसे चोरी करोगे हैं तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली चोरी मक्खन कैसे करोगे इतने में वो कृष्ण कहते हैं मैं तो किसी शुभ काम में जा रहा था तुमने मेरे को टोक दिया बोले तेरे सारे नाड़ी नक्षत्र मेरे को पता तू क्या करता नहीं करता अगर कल अगर इसी गली में गया ना अगर ये गली में एक बार आया फिर तो सीधा पकड़ करके भैया के पास ले जाऊंगी कृष्ण तो डर गए और वो गली कृष्ण उसी गली में जाना बंद कर दिया लेकिन ये एक प्रहर हो गया दो प्रहर हो गया तीन प्रहर हो गया लेकिन वो मक्खन चोर कृष्ण और वो गली में नहीं आए आज नहीं आए तो ये गोपियों को कृष्ण के देखे बगैर चैन कहां पड़ती है गोपियां तो व्याकुल हो गई सारा दिन कृष्ण का मुख दर्शन करने को नहीं मिला इसलिए गोपी गीत में ये गोपियों की जो प्रेम है वर्णना करते हैं बोले कि इनके प्रेम कैसे हैं बोले त्रुटि युगाय दे स्वांगम बसता कुटिल गोंदलम त्रिमुखम क्षति चढ़ाउ दीक्षता यहाँ पर गोपियों की प्रेम को वर्णना करते हैं कि प्रेम कैसे जब कृष्ण गैया चरा से भी आते हैं बड़ी मीठी मीठी कृष्ण बंसरी बजाते हैं बंसरी ध्वनि सुनकर के सारे ब्रजवासी घर से बाहर निकल आते हैं और कृष्ण का दर्शन करके घूंघट उठा करके कहती है कृष्ण का मुखारविंद कैसे बोले कपल जैसे बोले घुंघड़ा कैसे जैसे कहते कपल पुष्पों के ऊपर जैसे भौरा बैठते हैं हैं कहते और गैया की खोर से जो धूल उड़ता है जैसे मुंह पे पाउडर लगाते ना हैं स्नो पाउडर लगाते ऐसे लग रहा था बड़ा सुंदर कृष्ण लग रहे थे जब कृष्ण आ रहे थे जब गोपियां उनको दर्शन करती हैं ये आंखों का जो पलक झपकी है वो पता नहीं पड़ता इतने जल्दी पलक झपकी है लेकिन कितना समय भी
ये गोपियों को लगता है जैसे त्रुटि युगायते त्वाम उपसता, लगता है करोड़ों काल बीत गया और तेरे जैसे दर्शन नहीं हुआ, इनके प्रेम है। ये गोपियों को तो और सहन नहीं हुआ, ये जितने गोपियां जब देखा कृष्ण आए नहीं उसी गली में, इतने गोपियां झुंड के झुंड मैया जसोदा की घर में पहुंच गए, बोले मैया जसोदे। देखो जो शिकायत कर रहे ना वो शिकायत नहीं, वो शिकायत नहीं कर रही थी, वो केवल कृष्ण को दर्शन करने के लिए गई थी। बोले मैया जसोदे लगता है हमें ब्रज छोड़ करके और कहीं जाना पड़ेगा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले तेरे लाला घर में आकर मखाना चोरी करता है। मैया ने कहा देखो मेरे लाला है ना अंधकार में बहुत डरता है, अंधकार में रख लो। बोले मैया हमने सो भी कर लिया। बोले तू जो शरीर में अलंकार धारण कराती हो वो अलंकार में इतने प्रकाश है, वो उसी से ही प्रकाश हो जाता है, पूरा घर आलोकित हो जाता है। बोले एक काम करियो अलंकार को क्या उतार दो, बोले तेरी सौगंध है हाथ मत लगाओ। बोले भैया अलंकार की बात छोड़ दो, कृष्ण का जो नाथ है ना उसमें इतने प्रकाश है वो अपने आप घर उजला हो जाता है, तो अलंकार की बात छोड़ दो। इसलिए हमारा ब्रह्म संहिता में कहते हैं, उपनिषद में कहते हैं, जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं वो ब्रह्म है क्या जी? तो जो ब्रह्म है भगवान की जत अद्वैत ब्रह्म उपनिषदि तत्व से तत्वा, जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हो ब्रह्म भगवान के अंग कांति, उनके नख की जो छटा है उसमें इतने प्रकाश है वो जिसको ब्रह्म कहते हैं। बोले अलंकार की बात छोड़ दो, नख की छटा से आलोकित हो जाता है। भैया ने बोले एक काम कर दो मक्खन को छीके तो पर रखा करो, तो पर रखा करो, पर लाला का हाथ नहीं पहुंचेगा। बोले भैया हमने शॉपिंग कर लिया। बोले फिर कोई छिड़ी क्या सीना बना छीना बना करके रखे? बोले बनाने का जरूरत नहीं वो खुद बना लेता है। बोले कैसे? बोले दाऊ भैया थोड़े मोटे उनको नीचे बैठा देते हैं, उसको पर मधु मंगल उसको ऊपर में सीधा और खुद ऊपर चढ़ जाता है और उतार कर सब खा लेता है। भैया ने बोला एक काम करो मैं जितना खाता हूँ ना लाला मेरे से डबल डबल ले जाओ। बोले भैया तेरी आशीर्वाद से घर में साथ सब कुछ चीजें, घर में किसी चीज की कमी नहीं। वो शिकायत करने नहीं, वो केवल कृष्ण दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उस बात से नहीं हिंदी की ना तो आप क्या थे हरे कृष्ण हाँ आज का कथा सुनेंगे केवल बांग्ला बोली जी। एक दिन की हो जाए कृष्ण के गोपीरा कुछ तो याद करते बार जब हम कुछ तेई कृष्ण का धरते बार ना बोले की भरा जाए बोलो की भांग रचा जाए। बोले जाने का आज करो कौन आसे और कौन जाए ना से बुझा जाए ना कौन गेलो और कौन गेलो एक काज करो ये छिका आछे ना जार पर उन्होंने माखन रखा है। बोले और ऊपर एक बेल लटके गया एक बेल टाणे दिले कृष्ण जब माखन खावे वो बेल का बाजवे बाजले पर बुझा जावे माखन कहते हैं इसका धर्म और आपका बेल टाणे दिए थे और कृष्ण जब ऐसे थे प्रभु प्रभुर प्रति की कर्तव्य आदेश बात करा। बोले देखो जब तो समय पर जाता है पाकर का अपना फिर बाजी में डाल आए आप जब हमें किए चली जाते तो हम फिर बाजी में। बोले ठीक है आज प्रभु एक ना कृष्ण महात्मा ने नाम दिए थे आज जब हम खेते जाए ना वो बेल का नीचे भेजवा टन 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 बेच। बोले तू बातचीत के ना बोले प्रभु आपने जाने ना देख मेरे जगह ठाकुर को भोग लगाने की करे भाई बेल बजा तभी तो गोविंद को भोग लगे। बोले प्रभु बेल ना बजे तो भोग का नहीं करे अबे बस जब हम बेल बजे बजे ना आज कृष्ण ताले ताले माखन किए थे नौनी किए बस कृष्ण कहते के ना तो क्या रह हुए गए एक दम भावे कृष्ण तिनी प्रजेर मध्य कृष्ण तिनी प्रत्येक तिनी प्रज गोपी तेरे बाड़ी ते किए तिनी तारा दिए बाड़ी ये सुंदर सुंदर माखन रख दो। कृष्ण कहते ना तेरे के दर्शन देते ना तेरे आनंद देते कृष्ण के আপনি আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তি হ্যাঁ তিনি অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মালিক তিনি আর তিনি যদি কার বাড়িতে যায় আর একটু মাখন দেয় তার খুশি হবে না দুঃখী হবে বলো খুশি হবে এখানে তার শিকার করতা আসবা নালিস করতা আসবা না কেবল কৃষ্ণকে দর্শন করতে আসবো নিতাই গৌর ব্রহ্মানন্দে হরি হরি বল হরে কৃষ্ণ চলো।